अगर आप लोग अफोर्डेबल और फास्ट होस्टिंग ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। आज हम लोग बात करेंगे अफोर्डेबल एंड फास्टेस्ट होस्टिंग इन इंडिया फॉर 2019। सो दिस वीडियो इज़ बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय होस्टिंगर। और ये कैसे स्पॉन्सर हुआ, इसकी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने कैसे होस्टिंगर यूज़ किया है, क्या इसके प्रोज है, क्या इसके कॉन्स हैं, और क्या ये आप लोगों को यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मेरे पास आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा डिस्काउंट कूपन भी है, तो वो डिस्काउंट कूपन भी मैं वीडियो के बीच में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। सो सबसे पहले होस्टिंगर की टीम ने मुझे अराउंड मार्च में रीच आउट किया था कि क्या आप हमारी सर्विसेज को प्रमोट करना चाहेंगे। मैंने उनकी तब वेबसाइट विजिट करी थी और जो मैंने सबसे पहली चीज़ देखी वो ये थी कि ये काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में दे रहे हैं और फ्री डोमेन भी दे रहे हैं। तो ये जो दो चीज़ें थी, मुझे लगा कि इतना अच्छा नहीं होगा, कि अगर आप लोगों के रेट्स इतने कम हैं तो आप लोगों की सर्विसेज ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो तब मैंने डिनाई कर दिया था कि सॉरी, मैं अभी नहीं कर पाऊँगा, हम लोग कभी फ्यूचर में प्लान करेंगे। देन अभी रिसेंटली अराउंड मई में मुझे ज़रूरत पड़ी एक नई होस्टिंग की। मैं कोई एक अच्छी अफोर्डेबल और फास्टेस्ट होस्टिंग ढूंढ रहा था और आप ही जैसे लोगों में मैं भी था जिसने गूगल किया कि कौन सी अच्छी होस्टिंग है, कौन सी अभी फास्टेस्ट होस्टिंग चल रही है इंडिया में। और बिट कैप्चा करके एक वेबसाइट है जो ये सारी लिस्ट मेंटेन करके रखती है, काफ़ी अथॉरिटी है इस वेबसाइट की। वहाँ पे जो पहला नाम था उसे देख के मैं सरप्राइज हो गया। वहाँ पे पहला नाम था होस्टिंगर का। सो आई वॉज सरप्राइज, यार ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है। फिर मुझे याद आया कि उन्होंने मुझे रीच आउट किया था। देन मैंने सोचा मैं भी इसे ट्राई करता हूँ। इतने सारे लोगों के मैंने रिव्यूज़ देखे, सबके अच्छे थे, मैंने सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ। सो आई रीच आउट टू होस्टिंगर टीम कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, और मैंने कहा कि क्या मुझे एक रिव्यू अकाउंट मिल सकता है एक महीने का। देन उन्होंने कहा कि हाँ, आपको मिल सकता है। बट देन आई थॉट कि हो सकता है कि रिव्यू अकाउंट में शायद से वो लोग मुझे एक अच्छा अकाउंट दे, बट एक्चुअल में उतना अच्छा अकाउंट मिले नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं खुद एक पूरा पर्सनल अकाउंट उन लोगों का खरीदूंगा। सो आई परचेज माई ओन पर्सनल प्लान फॉर 4 ईयर्स। मैंने 4 ईयर्स का एक बिजनेस प्लान वहाँ से परचेज किया है। साथ ही साथ मैंने वहाँ पे अपनी 3 वेबसाइट को ट्रांसफर कर दिया है। उसमें से एक है PHP बेस्ड और 2 WordPress बेस्ड है। सो आज उसी के एक्सपीरियंस पे मैं आप लोगों को ये रिव्यू देने जा रहा हूँ होस्टिंगर का। और साथ ही साथ आज हम लोग सिर्फ फीचर्स की बात नहीं करेंगे। हम लोग फीचर्स से कोई मतलब नहीं रहता कि एक्चुअल में उन्होंने क्या अपनी वेबसाइट पर दिखाया, क्या एक्चुअल में उसकी परफॉर्मेंस है, हम लोग उस पर फोकस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसके प्रोज और बेनिफिट्स से। जो सबसे पहला मुझे इसको प्रो लगा है वो है इसकी स्पीड। इसमें आपको काफ़ी अच्छी स्पीड मिलेगी इनके सर्वर से। इसमें आप लोगों के पास ऑप्शन रहता है, आप सर्वर सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्वर की लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो सिंगापुर में रहेगा, US में रहेगा, यूनाइटेड किंगडम में रहेगा। इसी टाइप से आप लोग हर लोकेशन के लिए वहाँ पे सर्वर सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आप लोगों के पास पावर रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको लेटेंसी काफ़ी कम मिलती है। और यहाँ पर मेरे पास एक URL है, ये URL का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, जहाँ पे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि लेटेंसी आपको कितनी मिल रही है, आपकी लोकेशन से कितनी मिल रही है। जैसे अगर मैं अभी अपनी बात करूँ तो मुझे लेटेंसी सिंगापुर से अराउंड 65.31 ms की मिल रही है, जो काफ़ी कम है, काफ़ी अच्छी है। मीन्स इट्स वेरी अप्रोप्रिएट टू होस्ट माई वेबसाइट ऑन सिंगापुर सर्वर। तो यहाँ पे आप लोगों को हर अपनी अपनी लोकेशन के हिसाब से आप लोगों को लेटेंसी मिल जाएंगी। अगर आप लोगों की जैसे अगर आप लोग इंडिया के लिए हैं तो ये वाला बेस्ट है। मैं खुद सिंगापुर सर्वर पे मैंने अपनी वेबसाइट को होस्ट करके रखा है। सेकंड मेरे को इनका बेनिफिट लगा है इनका कस्टमर सपोर्ट। इनका कस्टमर सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। जितनी मैंने अभी तक होस्टिंग यूज़ करी, इसमें सबसे अच्छा कस्टमर सपोर्ट है होस्टिंगर का। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 24/7 लाइव चैट सपोर्ट दिया है, एंड विद इन मिनट्स मुझे यहाँ पे रिप्लाई आ जाता है, और काफ़ी फास्ट रिप्लाई आता है। डजेंट मैटर मैं कितने बजे वहाँ पे अपनी क्वेरी डाल रहा हूँ, मुझे विद इन मिनट्स रिप्लाई आ जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो एक्चुअल में जो मुझे रिप्लाई कर रहे हैं वो नॉलेजेबल रहते हैं, उन लोगों के पास एक्सेस रहता है मेरा अकाउंट का, तो उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती मेरे इशू को समझने में। और ऐसा नहीं होता है कि मेरे इशू को एक जगह से दूसरी जगह तक एस्केलेट किया जा रहा है। मैंने उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे हैं, मैंने उनसे काफ़ी सारी चैटें करी हैं, और जो भी मेरी अभी तक जितनी भी क्वेरीज रही है वो उन्होंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल करी है। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद देयर चैट सपोर्ट। सारे ही नॉलेजेबल बंदे हैं, सारे ही उनको टेक्निकल नॉलेज भी है, तो ऐसा नहीं है कि आपके इश्यूज़ को एस्केलेट कर देंगे, टिकट वगैरह जनरेट करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं मिला है मुझे अभी तक। और उन लोगों का नेचर भी काफ़ी फ्रेंडली है, तो दैट्स अनदर प्लस पॉइंट। प्लस जो यहाँ पे आपको चैट का ऑप्शन मिलेगा वो मिलता है आप लोगों को सीधे यहाँ पर इनके मेन स्क्रीन पे। जैसे आप लोग लॉग इन करेंगे यहाँ पे आपको चैट का ऑप्शन साइड में दिख जाएगा। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी है, मैं किसी भी पेज पर हूँ मैं सीधे चैट कर सकता हूँ, तो एक ये बहुत ही फ्रेंडली वे में लगा है मुझे। बाकी वेबसाइट्स की तरह पहले सपोर्ट में जा रहा हूँ, मतलब फिर वहाँ पे अपना क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ, फिर वो लोग मुझे सपोर्ट फॉर्म्स दे रहे हैं, वहाँ पे अगर नहीं मिला तो जाके मैं चैट कर सकता हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं ढूंढ रहा है, यहाँ पे मुझे चैट सपोर्ट वगैरह नहीं ढूंढना है, मेरे को फॉर्म्स में क्वेश्चन नहीं करने, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लेता हूँ और वो मुझे आंसर यहाँ पे मिल जाता है।
थर्ड जो मुझको इसका एडवांटेज लगा है वो इसका इजी इंटरफेस। नाउ होस्टिंगर का जो इंटरफेस है यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल सी पैनल नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है एक एच पैनल। एच पैनल उन्हीं का बनाया गया है, एक सी पैनल का थोड़ा मॉडिफिकेशन है। ये काफ़ी इजी टू यूज़ है, बहुत सारे लोगों को बहुत ही ईजी लगेगा, खास करके अगर आप लोगों ने पहले होस्टिंग सर्विसेज यूज़ नहीं करी, आप लोगों ने सी पैनल नहीं देखा है तो ये आपको काफ़ी ईजी लगेगा। इसके डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है। नाउ फोर्थ इसका पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी। जो यहाँ पे मुझे इसका प्राइस देखने को मिला है वो सरप्राइजिंगली काफ़ी लो है व्हेन आई कंपेयर टू अदर गुड होस्टिंग्स लाइक साइट ग्राउंड और होस्ट गेटर से जब मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे प्राइस काफ़ी कम देखने को मिला है। और सर्विसेज जो इनकी है, जो इनका सपोर्ट है, जो इनकी परफॉर्मेंस है वो एट पार है, दैट्स इवन मोर सरप्राइजिंग। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल रेट्स में एक अच्छी खासी होस्टिंग मिली है। कंपेयर अगर मैं इससे करूँ होस्टगेटर और साइटग्राउंड जैसी वेबसाइट से तो ये ऑलमोस्ट 96% लेस है। अगर मैं ये चीज़ यही प्लान वहाँ पे साइटग्राउंड पे लेता तो मुझे 96% वहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ता। अगला जो मुझे इसका एडवांटेज लगा है वो इसका वेबसाइट बिल्डर। नाउ जो इसमें वेबसाइट बिल्डर है वो काफ़ी ईजी टू यूज़ है, उसमें काफ़ी अच्छी सारी टैम्पलेट्स भी उन्होंने दी है यूज़ करने के लिए और ये फ्री भी है। मीन्स आपको हर प्लान के साथ वेबसाइट बिल्डर मिलता है। मैं अभी आपको स्क्रीन पर बताता हूँ, ये मैं गया, मैंने यहाँ पे अपना होस्टिंग खोल के रखा है, ये मैं अपने एच पैनल से मैंने यहाँ पे अपना वेबसाइट बिल्डर खोला। यहाँ पे मैंने अपना डोमेन सेलेक्ट किया, मैं गया गो टू बिल्डर पे और यहाँ पे मेरा वेबसाइट बिल्डर अभी ओपन हो जाएगा और मुझे वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी टैम्पलेट्स मिलेगी जिसका यूज़ करके मैं एक अच्छी खासी, अगर मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे वर्डप्रेस की नई वेबसाइट बनानी है तो भी मैं बना सकता हूँ। प्लस इसका एक और एडवांटेज रहता है कि जैसे मेरे पास बहुत सारे डोमेन है, मेरे पास मेरे बहुत सारे ऐप्स के डोमेन है तो मैं उन सब पे वर्डप्रेस नहीं इंस्टॉल करना चाहता, मैं उन सब पे ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहता, मैं बस एक लैंडिंग पेज बनाना चाहता हूँ तो वो चीज़ मुझे यहाँ से मिल जाएगी। और जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी और टैम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी टैम्पलेट्स आ गई हैं, काफ़ी मीन्स मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम ही अच्छी है, नहीं, लेकिन इट गेट्स अ जॉब डन। तो जैसे दिस वन लुक्स गुड बिजनेस सॉल्यूशन, तो ये वाली अगर मुझे, मान लीजिए मुझे ये वाली टैम्पलेट का यूज़ करना है, होम अबाउट कॉन्टैक्ट, सिंपल सी टैम्पलेट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा और ये फिर मेरे लोड हो जाएगी मेरे वेबसाइट बिल्डर पे। और उसका जो वेबसाइट बिल्डर है वो भी मुझे काफ़ी ईजी लगा है यूज़ करने के लिए। तो ये रहा इसमें, यहाँ पे आप लोग ऐड पिक्चर गैलरी काफ़ी इजी, यहाँ पे आपको उसका ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे, तो ये चीज़ काफ़ी इजी है। सो ये थे कुछ इसके पांच इसके मुझे बेनिफिट्स जो लगे। अब कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, हर चीज़ के कुछ कॉन होते हैं, इसमें भी कुछ मुझे कॉन मिले हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, जो मुझे इसका सबसे बड़ा कॉन लगा है वो लगा है इनके यहाँ पे जो इन्होंने डिस्क्लोजर किया है रिगार्डिंग SSL। तो यहाँ पे अगर मैं इनके यहाँ पे होस्टिंग में जाता हूँ, वेब होस्टिंग में जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा है फ्री SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बिजनेस प्लान लिया था, यहाँ पे मुझे फ्री SSL सर्टिफिकेट मिला है, बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे मुझे सिर्फ एक वेबसाइट के लिए मिला है, बल्कि ऐसा यूजुअली होता नहीं। अगर होस्टिंग ने लिखा है कि फ्री SSL और अनलिमिटेड वेबसाइट्स आपको होस्ट करने के लिए दे दिए तो दैट फ्री SSL अप्लाइज टू ऑल ऑफ द वेबसाइट्स दैट यू आर गोइंग टू होस्ट विद देम, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक वेबसाइट के लिए मिला है। सो ये मुझे एक ड्रॉबैक लगा है। एंड सेकेंड, ये जो SSL है ये ऑलरेडी फ्री रहता है, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे आप लोगों को अराउंड इसके 800 रुपये देने पड़ते हैं अपने वेबसाइट में इंस्टॉल करने के, अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो, लेकिन ये SSL ऑलरेडी फ्री रहता है, ये लोग ऑटो इंस्टॉल करने के उसको 800 रुपये लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे इन लोगों की अच्छी नहीं लगी यहाँ पर। सो आप लोग यहाँ पे फ्री SSL इशू करके उसको मैनुअली इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं पड़ेगा। जो मुझे इसका सेकंड कॉन लगा है वो है यहाँ पर कि सपोर्ट में आप लोगों को, चलो लाइव चैट तो मिल रहा है 24/7 का, लेकिन यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा है। मीन्स कोई कॉन्टैक्ट नहीं है कि मैं किसी से इन पर्सन बात नहीं कर सकता हूँ कि अगर मुझे कोई इशू फेस हो रहा है तो ये चीज़ मेरे लिए मेजर कॉन नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है जिन्हें आदत हो कि आप लोगों को फ़ोन पे किसी से बात करनी चाहिए। आई प्रेफर चैट, मुझे चैट ज़्यादा अच्छी लगती है और चैट में इजी हो जाता है एक्सप्लेन करना, स्क्रीनशॉट्स भेजना, उनको एक्सेस देना, तो ये चीज़ें चैट में ज़्यादा इजी हो जाती है, टाइम भी बच जाता है, तो आई प्रेफर चैट। बट वो लोग जो लोग कॉल प्रेफर करते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। थर्ड डिसएडवांटेज जो मुझे लगा है वो यहाँ पर है कि ट्रेडिशनल सी पैनल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैंने जैसा कि आप लोग बताया यहाँ पे एच पैनल अवेलेबल है जो इन लोगों ने खुद ने डिज़ाइन किया, जो काफ़ी ईजी टू यूज़ है, लेकिन उस ईजी टू यूज़ के चक्कर में इन्होंने काफ़ी चीज़ें मिस आउट कर दी है ट्रेडिशनल सी पैनल से। वो फिर भी हो सकती है लेकिन उसको थोड़ा यहाँ पे टाइम लगता है समझने में। लाइक आई एम एन एडवांस यूज़र, ठीक है, मुझे ट्रेडिशनल सी पैनल की आदत है
तो मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत टाइम मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत हुई कि मैं वो एडवांस चीज़ यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करूँ। तो मैंने इनके चैट सपोर्ट से पूछ लिया, उन्होंने काफ़ी इजीली मुझे एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आई स्टिल प्रेफर मुझे वो सी पैनल की आदत है। तो दैट्स अ कॉन फॉर मी, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के लिए भी ये कॉन हो। अगर आप लोगों को ईजी इंटरफेस चाहिए तो आप लोगों को एच पैनल अच्छा लगेगा, ये सब्जेक्टिव चॉइस है। तो आई लाइक ट्रेडिशनल सी पैनल्स बेटर, बट इट्स डेफिनेटली नॉट अ डील ब्रेकर। सो ये इसके कुछ कॉन्स थे, इसके कुछ बेनिफिट्स थे होस्टिंग करके। एंड अगर मैं इसको स्कोर दूँ तो आई विल गिव 9.5 आउट ऑफ 10। ये काफ़ी अच्छी होस्टिंग लगी, अफोर्डेबल भी है, फास्ट भी है, काफ़ी अच्छे इसका सपोर्ट भी है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने खुद ने इसको पर्सनली 4 साल के लिए लिया है, तो आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग वहाँ पे मेरे लिंक पे जाएं जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, उस लिंक पे जाके आप लोग उसको परचेज करें एंड देन वहाँ पे कूपन कोड ऐड करें कृपेश, तो आप लोग को एक्स्ट्रा फ्री में 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं भी आपको यहाँ पे रेट बताता हूँ कि अभी आपको कितने रेट कितने प्राइस पॉइंट पे मिल सकती है। हम लोग जाते हैं hostinger.in पे, यहाँ पे हम लोग गए प्राइजिंग पे। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यहाँ पर सिंगल, प्रीमियम एंड बिजनेस। सो आई विल गो विथ प्रीमियम। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स मिलेगी, स्पेस भी अच्छा खासा है। सो प्रीमियम इज़ अ गुड ऑप्शन। मैंने बिजनेस प्लान लिया है, प्रीमियम या बिजनेस आप लोग ले सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। व्हाट आई रिकमेंड इज कि आप लोग एटलीस्ट प्रीमियम पे तो जाएं, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे प्राइसिंग बताता हूँ कि कितना यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, कितनी यहाँ पे प्राइसिंग मुझे अच्छी प्राइसिंग मिल रही है। सो ये है 48 मंथ्स का, 119 पे मुझे मिल रहा है, 119 रुपीज़ पर मंथ। 48 मंथ्स मीन 4 साल का। और जो इसकी प्राइस है वो पड़ रही है 5712 अलॉन्ग विथ अ फ्री डोमेन नेम। तो मैं फ्री डोमेन नेम .com वगैरह कोई भी ले सकता हूँ, और मुझे इसकी 4 साल की प्राइस पड़ रही है 5800 रुपये। नाउ मेरे पास आप लोगों के लिए कूपन कोड भी है, यहाँ पे हम लोग एक कूपन कोड ऐड करेंगे। कूपन कोड है कृपेश, आप लोगों को यहाँ पे मेरा नाम एंटर करना है। जैसे ही आप लोग मेरा यहाँ पे नाम एंटर करेंगे आप लोगों को एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे मुझे एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट मिल गया है, और मेरा जो प्राइस हो गया है वो हो गया है 4900 रुपये। तो ये काफ़ी ही कंपैरेटिवली जो इसकी जो प्राइसिंग है, ये 4 साल की इसकी प्राइसिंग है 4900 रुपये। प्रीमियम पैकेज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, प्रीमियम वेब होस्टिंग के, इसके काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है 4900 में। तो ये चीज़ आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, एंड आई रिकमेंड कि आप लोग एटलीस्ट 4 ईयर के प्लान के साथ जाएं ताकि आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पे मिल पाए। साथ ही साथ आप लोगों को अगर अच्छी नहीं लगे तो 30 डेज तो ही आप लोगों के पास कैंसिल करने के, आप लोगों को पेमेंट आप लोगों की वापस मिल जाएगी। सो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो होस्टिंग घर को लेकर के तो आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।